अपना मनपसंद घर खरीदने के वक्त आप क्या सोचते हैं? घर खरीदने के साथ ही आप किस तरह की सहूलियतें चाहते हैं? जहां आप घर खरीद रहे हैं वहां आपको अच्छा माहौल, अच्छे रास्ते, खूबसूरत नजारे और हर जगह आसानी से पहुंचने की कनेक्टिविटी हो, ये सब कुछ मिलेगा आपको DZ सिटी में। एक तरफ पहाड़ का खूबसूरत नजारा तो दूसरी तरफ सी शोर, साथ ही जिम, गार्डन, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और मस्जिद, ऐसी सभी सुविधाएं यहां उपलब्ध है। तो आइए अपने मनपसंद घर के लिए DZ सिटी के सेल्स गैलरी या फिर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। MMRDA के एच विंग के फ्लैट को लेकर परिवार में विवाद, घर में घुसकर की गई एक परिवार से मारपीट, शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन ने दर्ज की सिर्फ NC, नहीं दर्ज की FIR। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 फरवरी बुधवार शाम के समय शेल रोड स्थित MMRDA की विवादित H बिल्डिंग में 20वीं मंजिल पर 2009 नंबर का एक फ्लैट है। इसके मालिकाना हक को लेकर एक ही परिवार के कुछ लोगों के बीच विवाद था, जिसके चलते यहां पर घर में घुसकर महिला, उसकी बच्ची और पति के साथ मारपीट की गई है। एक पक्ष ने हमसे बातचीत की है, दूसरे पक्ष ने बात करने से इनकार किया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेसपासिंग करके घर में घुसकर महिला, बच्ची के साथ मारपीट, एक पुरुष के साथ मारपीट, महिला का कपड़ा फाड़ना, इन सभी बातों को नजरअंदाज करके शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन ने गंभीर आपराधिक मामला दर्ज करने की बजाय सिर्फ NC दर्ज की है। देखिए इस मामले में एक पक्ष ने क्या अपनी बात रखी है। बेन, क्या नाम है आपका? नसरीन जासिम शेख। अच्छा बेन, ये जो आज आपके घर में हादसा हुआ है, ये किस जगह है ये घर, इसका पूरा नाम क्या है बिल्डिंग का? ये MMRDA में मुमरा में दोस्ती अपार्टमेंट है। दोस्ती 20 माले पे हम लोग रहते हैं। रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 2009 है। तो आप घर में थे, ऐसा क्या हादसा हुआ, कुछ लोग आपके घर में घुस गए? हाँ, मैं घर में थी, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मेरे दोनों बच्चे भी घर में अकेले थे, नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने ऐसी जैसे दरवाजा खोली ना, 8-10 औरतें पूरा एकदम मुझे धक्का देते, मारते हुए अंदर घुस गए। तो मैं बोली कौन है, तो पीछे से मेरी सौतेली सास आई, वो भी आई, बोले मैं हूँ करके। मेरी पहले तुम आके खड़े रहना था ना, तो मैं अच्छे से लेती थी अंदर, ये गैरों को कहीं को घुसा रहे। तो बोले ये गैर नहीं है, मैं सब मेरे रिश्तेदार है। कौन कौन से सड़ेले लोग आए थे, वो बोलते मेरे रिश्तेदार। आप उन्हें जानते नहीं? नहीं, हम जानते नहीं, कभी देखे भी नहीं, देखे अभी नहीं। फिर थोड़ा देर बैठे, फिर हम लोग को बोले कि चलो निकलो, 1.5 महीने से रह लिए, तुम अभी निकलो, खाली करो। मैं बोली मेरे बाप का घर है ना ये भी, तो मेरे ससुर मेरे बाप ही है ना, हम लोग रह सकते हैं इधर, हम मेरे बाप का घर है। बोले नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा घर है, बोल के हम लोग को धक्का देते हुए सीधा अंदर गए। मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाए वो दोनों ने, फिर वो मेरे जेठ ने आके मेरे को बाल खींच के मारा, पूरे मेरे कपड़े फाड़ा, वो औरतों ने भी सब एक साथ मेरे ऊपर भीड़ हो गए, मेरे आदमी पे। फिर मेरी फुप्पू को ऐसा धक्का दे के मार के गिरा दिए, रोने लग गए एकदम चिल्ला के। मेरी बेटी को पूरे बाल खींच के मार के पूरा बाहर ढकेल दिया, हम सबको घर से बाहर ढकेल दिया। टोटल कितने लोग थे? 10-12 थे। उसने मेरे को मारा, मेरे हाथ पूरे कपड़े फाड़ा खींचा, बोले तो मैं बोली ना हाथ नहीं लगा, तो मेरे को बोल रहा हाथ लगाऊंगा क्या करके, खींच के मारा बोले बाहर। जो आपके वालिद का ये घर है, आपका कहना है जी, और ऐसा क्या विवाद है ये जो आप लोगों का ये फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है? ये मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ September 27, 2021, और उसके बाद में हम लोग ने बोले, हमारा पहले खुद का भी घर था एक, जो हमारे बड़ी अम्मी ने बेच के बोले कि बेटा बहुत कर्जा है, ये दे देते जब हमारे अम्मी जिंदा थे, ये दे देते, और मैं ये घर बेच के ना 2 घर ले लेंगे अपन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ठीक है। तो हम लोग ने एग्री किए, अभी हमारा वो घर बेच के भी आज 15-20 साल हो गया, हम लोग भाड़े पर रहते हैं। आज हमारी भाड़ा भरने की ताकत नहीं है। हमारे अब्बा इंतकाल होने से पहले हम दोनों भाई को 50-50 हज़ार रुपये दिए, बोले आप लोग अभी भाड़े पे ले लो, इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर मैं आपको घर दिला दूंगा, नहीं तो मेरे छोटे भाई के हाथ में ये MMRDA है महाड़ा के फ्लैट की चाबी दी मुमरा की, कि बोले अगर नहीं होएगा बेटा तो तू यहाँ जाके रह जाना कुछ तक। तो फिर हमको भाड़ा भरने हो रहा था, काम नहीं है, कुछ नहीं है, और अब्बा का इंतकाल हो गया। हम बड़ी अम्मी के पास गए, उनसे बहुत गुजारिश किए, और हमारे फुप्पू के दोनों बेटे बड़े जो घर के है, गफ्फार भाई और इस्माइल भाई, वो लोग हमारे साथ में गए वहाँ बैठ के। वो बड़ी अम्मी बोलती है कि तुम्हारे बाप का बहुत कर्जा है, और 4-4 लाख रुपए दूंगी, वो भी ज़िंदगी में आएगा तब दूंगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बोल के हमको निकाल दिए घर से। फिर हम लोग ने मुमरा का घर तो हमारा खाली था, हमारे पास चाबी थी, तो हम लोग बोले एटलीस्ट घर नहीं है, रहने को रोड पे कैसा रहेंगे, तो हम लोग MMRDA चले गए। हम लोग वहाँ रह रहे यार 3 महीना हो गया,
तभी भी इन लोग आए पुलिस स्टेशन में जमा, तो पुलिस लेके आए हमको अंदर कराए, तो भी हमने पुलिस स्टेशन में अर्जी दे दिए थे December 30, 2021। तो दो महीने से ना पुलिस स्टेशन का चक्कर चल रहा है, बुलाते हैं कभी ACP ऑफिस, यहाँ वहाँ बातचीत चल रही है, तो वो उनको पुलिस ने ये बोले कि इनका जो हिस्सा बनता है वो आप दे दो, और हम लोग भी रेडी थे कि आप प्रॉपर्टी चाहिए आप पूरी ले लो, जो हमारा हिस्सा है वो दे दो, मगर ये लोग बोलते हम कुछ नहीं देंगे, इनको सब खाने का। तो उसके बाद में आज अचानक में मतलब सुबह दोपहर के टाइम पे 1 बजे ये लोग घर में घुस गए, 1 बजे का था, 1 बजे का टाइम था, और मैं अंदर सोया था और मेरे बच्चे लोग नाश्ता कर रहे थे, तो ये लोग घुस के 6-7-8 औरत लोग है, वो लोग मारा मारी चालू कर दिए, और वो एक आमिर करके आदमी है, कोई बम्बई नागपाड़े का भाई है, वो दाऊद का आदमी है बोलता है वो, और मेरे दूसरी अम्मी का जो बेटा है यूनुस, ये दोनों मिल गए, और औरत लोग ने मेरे पैर वैर पकड़ लिए, और ये लोग दोनों मिल के मेरे को बहुत मारे, और बाद में मेरे फुक्कू को भी मतलब लाफा वाफा मारे और धक्का मार के, तो मैंने फिर बोल दिया भाई मत मारो औरतों को मत मारो, मैं हट जाता हूँ, मेरे कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए थे, वो सब टी शर्ट वीशर्ट वगैरह है। उसके बाद में मैंने फिर उनको बोला कि भाई मत मारो रुक जाओ, क्योंकि अब यहाँ पे घर पे कोई नहीं था, तो हम लोग बोले रुक जाओ मत मारो भाई, मैं घर खाली तुमको खाली चाहिए ना मैं दे देता हूँ, हाँ तो भी हम लोग को धक्का वक्का मार के ना घर से निकाल के घर अंदर से बंद कर लिया, तो हम लोग ने पुलिस बुलाए, पुलिस आने के बाद भी ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। फिर उसके बाद में लेडीज़ पुलिस आई, सब आए, बहुत सारी पुलिस आई, और बिल्डिंग के भी 8-10 लोगों ने देखे इन लोगों ने हम लोग को कैसे मार के निकाले घर में से। तो आप चाहे तो 8-10 लोग हैं जो आएंगे बिल्डिंग में से भी हम बुला लेंगे, जिनको गवाही चाहिए हम दिला सकते हैं। उसके बाद में हम डाइगर पुलिस स्टेशन आए, यहाँ पे भी पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है, उल्टा इन लोग हमारे घर में घुस के हमको घर से निकाल दिए, और पुलिस ये बोल रही है और हमको मारे भी, तो पुलिस ये बोल रही है कि वो घर अभी TMC के अंडर में जाएगा, वहाँ से कॉरपोरेशन से जो रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, जब तक तुम लोग रोड पे रहो। तो आपका सामान उसी घर में? हाँ, हमारे कपड़े, मेरे बच्चों, खाना पीना सब उसी घर में, हमारा कुछ नहीं। अच्छा, जब आपने पत्र व्यवहार किया था टाइगर चौकी में जी, तो उस टाइम पे मतलब आपने खुले स्तर पे ये बता दिया था उस घर में आप रह रहे हैं? हम रह रहे हैं और हमारी जान को खतरा है, हमारे पास अर्जी भी है पुलिस स्टेशन की। एक मिनट देखिए, ये अर्जी है, ठीक है, इस टाइम हमारी अर्जी उधर, हाँ, ये 31/12/2021 की अर्जी है, हमने अर्जी दिए थे कि हमारी जान को खतरा है, हमारे अब्बा की ये प्रॉपर्टी है, कार है, बाइक है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ इन लोगों ने, क्योंकि हमारे अम्मी 1 साल पहले इंतकाल हो गए थे, तो इंतकाल होने के बाद में अभी हमें ये मालूम पड़ा है आपकी वालिदा भी जब इंतकाल हुआ तो आप लोगों के पास नहीं रहती थी, इनके पास रहती थी कुर्ला में पूरा। हमारे वालिदा का पूरा इलाज हमने कराया, मैं और मेरे भाई ने, ठीक है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, पेपर्स, सर्टिफिकेट सब कुछ हमारे पास है, 1-1 रुपया हमने खर्चे किया, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है। इन लोगों को है ना खाने की भी तकलीफ होती थी ना, तो अब्बा हमसे पैसा लेते थे, क्योंकि है ना ये इन लोगों की ताकत नहीं थी अपने बच्चों को पालने के लिए, हमारे पास वो बैंक स्टेटमेंट्स भी है, हम प्रूफ दे देंगे, ठीक है, इन लोग हमसे लेके। वालिदा से कितने बहन कितने भाई हो आप लोग? हम लोग दो भाई हैं। दो भाई हैं जी। अच्छा, और उनके उधर से कितने जन हो? दो भाई है, एक बहन है। दो भाई एक बहन, हाँ। वो बहन को भी है ना हमने ही, उसका भी बहुत घर का मसला हुआ था, उसका घर भी पता, सब हमने करा के दिए, हमारी माँ उसका राशन भरती थी, ये लोग पूछते भी नहीं थे उसको, वो बहन तो हमारे फेवर में थी, लेकिन जब अब्बा गुजर गए और यहाँ मतमत चल रही है, इन लोगों ने उसको भी पट्टी पढ़ा के कि भाई तेरे को क्या है, हम लोग दे देंगे साइड में, तू इन लोग के साइड में मत रहे बोल के उसको हटा दी, तो इसके लिए वो ना पुलिस स्टेशन आती है ना कोई मसले में आती है, इन लोग उसको साइड से दे रहे जो दे रहे, खाली हम लोग दोनों का हक खाना चाहते हैं ये, बस और कुछ नहीं। तो अभी आप डाइगर पुलिस चौकी में आए हैं, जो आपके घर में कब्जा किया गया, कि पुलिस ने उन्हें बाहर निकाली, तो आप लोगों की FIR क्यों नहीं ली जा रही? सर मसला ऐसा है ना कि उनके पास है ना पैसा बहुत है, वो लोग अब्बा को बचपन से जो है हमेशा इसी करते थे कि हमारे बच्चों को दूध पिलाने पैसा नहीं है, तो मेरे अब्बा बोलते थे उधारी में लेके आओ, तो उधार कर करके फिर अब्बा की जो भी कमाई आती थी वो सब लूट के उनके अपने पास रख लेते थे, और फिर अब्बा को ब्याज पे देते थे। तो अभी इनके पास पैसा बहुत है सर लगाने के लिए, अब ये क्या हुआ मुझे पता नहीं है, हम सर को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर हमारे घर बार पूरा वही है, मैं तो अंधेरी में रहता हूँ, मेरे भाई को यहाँ पे उसके पास रहने को काम नहीं था, लॉकडाउन से मेरा भी काम नहीं है, तो हम लोग यार भाड़ा भरने की भी ताकत नहीं थी, तो मैंने भाई को बोला एटलीस्ट तू शिफ्ट हो जा तो कम से कम भाड़ा नहीं भरना पड़ेगा, कम से कम जो है चटनी रोटी घर में खा लेंगे। लेकिन अभी इनके पास पैसे है ये मतलब दूसरों से ऐसा पता चला है, दूसरों को जाके ये बताते हैं,
कि ये दोस्ती का जो फ्लैट है ये प्राइवेट है, 40 लाख का हम घर दे रहे फिर भी नहीं ले रहे। तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे कि भाई हाँ सही में इन लोग ने खाए, लेकिन कोई हमसे बात नहीं कर पा रहा क्योंकि हम लोग के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम जाके उनसे बात कर सकें। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं कि सब बड़े लोगों को झूठी बातें करके अपने फेवर में करके उन लोगों से सपोर्ट लेकर, ये अभी चौकी में भी जो है जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही वो इसी वजह से हो रही होगी कि शायद फ़ोन आया होगा या कुछ तो आपकी बड़ी अम्मी के नाम आगे है, आपके वालिद का नाम पीछे, वो नहीं है सर। अलॉटमेंट पेपर पे अभी इसके लिए लिखाए थे, वो भी चीटिंग से लिखाया गया क्योंकि अब्बा को 28 साल के डायबिटीज, उनको होता था गश्त, उनको आता था चक्कर, तो उसमें उन्होंने उन लोगों ने साइन करा के उनका नाम ऐड करवाए। अब्बा का नाम भी है उस पर लेकिन ऐड करवाए, वो ये बोल के करवाया गया था कि भाई खुरला की प्रॉपर्टी जो है ना वो तो है ना, बोले तो ये वाली मैं करती हूँ ये, क्योंकि मिलने के लिए थोड़ा भागम दौड़ी करना पड़ता है और भागम दौड़ी के लिए तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम कभी होश में रहते कभी नहीं रहते, क्योंकि उनको ऐसा होता था वो एक एक दिन होश में ही नहीं आते थे, बहुत हाई डायबिटीज़ 28 साल से थी उनको। तो अब उनके साथ में ऐसा मसला था कि अब उनके अकाउंट में भी, उनके इंतकाल के बाद भी उनके अकाउंट में भी लाखों रुपये है, वो भी लोग नहीं बताते। उनकी गाड़ी है एर्टिगा, उनकी बाइक है, उनका कुरला का जो घर है वो अभी ये लोग कहाँ रहते हैं, कुरला डेढ़ करोड़ के घर में रहते हैं। अच्छा, और आप लोग यहाँ? हम लोग, मैं भाड़े पे रहता हूँ अंधेरी में और ये बड़े वाले भाई है यहाँ पे, इनको रखे थे बड़े भाई, बड़े वाले भाई। तो अभी आप लोग यहाँ डाइगर पुलिस से क्या चाहते हैं? हम लोग अभी यही चाहते हैं ना, अभी हम कैसा रोड पे रह सकते हैं, हमारा घर हम लोग थे उसमें हम लोग को घसीट के बाहर निकाले इन लोगों ने, हमको तो हमारे घर में रहने दो। और मेरे साथ इतनी बेइज्जती की है वो आदमी ने, मेरे को उसके खिलाफ़ FIR लिखाने, इन लोग FIR भी नहीं ले रहे अभी मेरे उन लोग के खिलाफ, मुझे FIR कराना है और हमको घर में जाना ही है। भाई का लड़का लगता है ये भी, और ये भी मेरे भाई का लड़का है, तो मैं इन बच्चों के साथ खड़ी हूँ कि ये बच्चे लोग का कोई नहीं, ये बच्चे लोग का आगे पीछे कोई नहीं। भाई मर गया, जब बाप था तो इनका सहारा था, बोलते थे कुछ भी, अब वो बाप का इंतकाल हो गया, बच्चे मेरे पास आए, फूफी हमारे साथ कुछ कर, तो मैंने उनके साथ खड़ी हूँ, मैं उनके साथ खड़ी हूँ करके मेरे को मारा उसने। अच्छा, किसने मारा? इनूस नाम है उसका, भाई का लड़का वो थी। अच्छा, भाई का लड़का, इसलिए लोग का भाई लगता है, और उसका दोस्त है हमरे को मोटा जैसा, उसने ही मेरे को मारा, मार के हाँ सुझा दिया, देखो मेरे मुँह पे इसको बेचारी कपड़े फाड़े, मैं लोग पकड़ इसको मार रहे, इसको मार रहे, पूरा मुँह पे भी पूरा नोचे थे, पूरा निशान इसको मार रहे थे, मैं पकड़ी। बेन अभी आप यहाँ FIR कराने बैठे थे तो क्या हुआ? FIR कराने जब हम अंदर गए तो साहब लोग हमारी FIR लेने ही नहीं राजी, कोई भी सब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये कोई भी तुम्हारा क्रॉस NC होगी, तुम्हारी FIR हम लेंगे ही नहीं किसी भी कीमत पे। हम मैं बोल भी रही है, वो गैर आदमी ने मुझे हाथ पकड़ के पूरा नोच के एकदम पूरा धक्का दे के निकाला, कपड़े पूरे मेरे फाड़ा, वो भी मैंने दिखाई उन लोग में, देखे भी है पुलिस वाले ने जब, तो भी उन लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे। टाइगर पुलिस मतलब आपकी सहायता बिल्कुल नहीं, सहायता कुछ नहीं कर रही, हम कब से कर रहे हैं, मेरी बच्ची को भी इतना उन लोग ने बाल पकड़ के मारे, वो गैर आदमी ने कैसा घुस के मेरे अंदर हाथ डाला, फिर हाथ उठाया पूरा पकड़ के मेरे को बाहर खींच के डाला, पहले अंदर बेडरूम में लगा था ना, सब बहुत ज़्यादा उन लोग ने वो किए, मगर ये पुलिस वाले कुछ भी एक्शन ले रहे ही नहीं है, कोई हमारी FIR ले रहे हैं। तो पुलिस के आला अधिकारियों से आप क्या कहना चाहते हैं? यही बोलूंगी कि ये पुलिस वाले सारे पूरे मिले हुए हैं, टाइगर पुलिस वाले इन लोग के ऊपर कुछ, ये हमारा केस नहीं ले रहे, इन लोग के ऊपर भी कुछ कार्रवाई करो, जो भी है अभी मैं साफ कर दीजिए बस, हमारा हम अभी रोड पर ही खड़े, हमारा घर सील कर दिए, अभी हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे, चाबी ले ली है घर की, हमारे को घर से बाहर निकाल के पुलिस ने, मतलब आपको पुलिस ने निकाली, उन लोग आके घुसे थे, उन लोग निकाले हम लोग को, और उन लोग अंदर से रास्ता दरवाजा बंद कर लिए, फिर पुलिस आके वो घर को ताला मार के, हमारे पास कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाए, हमारा खाना, हमारे कपड़े, हमारा सब कुछ वो घर के अंदर है, और पुलिस वाले ताला मार के चाबी लेके चले गए। अब वो बोल रहे हैं कि वो TMC से जब कॉरपोरेशन से जो फैसला आएगा तब आपको मिलेगा, तो जब तक हम लोग कहाँ रहना, रोड पे हमारे पास एक तकिया एक चादर तक नहीं है, तो हम यहाँ पुलिस स्टेशन में सो जाते, हम यहीं रहेंगे जब तक हमको हमारा घर की चाबी नहीं। लेडीज़ लोग ने तो मारे, वो दो आदमी लोग ने मारे, साहब बाहर के आदमी लोग औरतों को नहीं मारना चाहिए था, घर का मैटर ऐसा कंप्लीट करोगे वैसा वो भी करेंगे। सर हम तो अपने घर में बैठे, वो लोग हमारे घर में घुसे और हमको मारे ना। ये प्रॉपर्टी को लेके बात है ना, तो वो लोग हमारे ऐसा बोलोगे वैसा उनका भी कंप्लीट रहेगा, तो दोनों का भी लेंगे, दोनों को भी, अरे जितना बोलोगे तुम 10 लोग बोलो वो 10 लोग बोलेंगे,
दोनों सबको हम ये करेंगे, बाकी ये हमारा किसका है किसका नहीं ये कोर्ट कोर्ट बताएगा। ठीक है सर, अगर हाँ तो वकील साहब भी आ रहे हैं ना अभी, वो कोर्ट में वकील साहब आ रहे हैं, मतलब वो वकील वकील आने के बाद देखिए करेंगे। हाँ अभी अभी आ रहा है, बस बोला फिर अपने करेंगे ना भाई, एप्लीकेशन लिख के देंगे ना। ये लोग ने ना कैसा कुत्ते के जैसा मारे ना सर, आप देखते थे ना। और मेरी जो छोटी बेटी है 10 साल की, उसका बाल पकड़ के उसको बाहर फेंके है, आप पूछ लो उसको। मैं यही कहूँ मुझे देखो झगड़े में क्या हुआ है, ये हमने ये छोटी बच्ची वो आदमी मुझा रखो कौन पकड़ा था बेटा, क्या किए इसका ये करोगे अभी, मैं गाली गलौज का और इनका हाथापाई का मैं केस ले लूँगा, उनका भी वैसा ही रहे ये करूँगा, दोनों का ये रहेगा। अब तुम बोलोगे ऐसा ऐसा हुआ तो वो भी ऐसा ऐसा वो भी वैसे ही देंगे कमरे, तो बस बैठो सब लोग अंदर, कोर्ट जेल में जाओ, कोर्ट में ये पूरा जमानत ले लो, मामला निपटने का है क्या बैठ के ये करने का। और तुम्हारे को रहने को घर नहीं, तुम वहाँ पे सो और इन लोग है वीडियो निकालेंगे डाल देंगे कि भाई देखो हमारे को घर से बाहर निकाले, घर से बाहर निकाल के बाहर निकाले हम यहाँ सो रहे, मैं तो मारा क्या होगा उससे, क्या होगा प्रेशर बनेगा ना बॉस उन लोग के, कौन सा प्रेशर उनके ऊपर, घर से बाहर निकाल दे, उनके पास 1 करोड़ का घर है, उनके पास वो बोलते मेरा घर है, ये बोलते मेरा घर है, जब तक टीएमसी वाले ये नहीं करेंगे तुम वीडियो बनाओ नहीं तो कुछ भी बनाओ उससे क्या होगा। ये म्हणतात की जे आमचे वकील येतोय मी हे करतो, अरे क्या वकील तर कितने तर आमचे करतो मी वकील तुम एफआयआर करो ना, मुश्किल तुम्हारे को जो घर से निकाले तुम्हारी वाइफ को लेके जाओ, सबको को लेकर जाओ, सबको नहीं लेके जाने का एक किसी को बोलो, अभी तुम ज्यादा ये मत करो उसको, तुम भी ऐसे भी जाके घुसे है ना उधर, नहीं सर ऐसे लेकेंगे तो दोनों के ऊपर एफआईआर हो जाएगा, दोनों के ऊपर टेस्ट वाचिंग उनका पहला टेस्ट, तुम्हारे पास कुछ पेपर है क्या, कुछ पेपर है तुम्हारे पास, अबू का है पप्पू का है वो सवाल नहीं है, तुम्हारे पास पेपर है क्या, तो तुम्हारे पास फैमिली पेपर है क्या, उनके नाम का ये कायदा दोगे तो क्या वही होगा, डॉक्यूमेंट किसके नाम पे है उनका नाम है ना, दोनों का है सर, दोनों का तुम्हारा है क्या, कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे माँ का है इसमें कैसा है सर, नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना, उनका है दो महीने पहले ये अलॉटमेंट उनके नाम से हुआ है, ये अलॉटमेंट आपको क्या पेपर पे बोलने का, पेपर पे, पेपर पे बोलो अलॉटमेंट किसके नाम से है, पेपर पे हमारे इनके नाम से, फादर के नाम से सर, फादर है दोनों का नाम से ना अलॉटमेंट सर, दोनों के नाम से, हाँ हम लोग भी तो हिस्सेदारी बाद में आती है, पहले ये औरत जब तक है तब तक तुम हिस्सेदारी का क्लेम कर सकते हो, हिस्सेदारी का क्लेम कोर्ट में जाके कोर्ट में जाके हम भी लोग बोल रहे हैं ना, लेकिन तुम क्यों नहीं गए अभी तक कोर्ट में, इधर दो महीने हम लोग का तो फीस भरना पड़ता है सर, पैसा नहीं हम लोग के पास, हम लोग लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है, तो हम वो अरेंज कर रहे थे अभी हम लोग, अरे दो महीना हो गए अरेंज करके, हिस्सेदारी के लिए तुमको ये करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो घर में आया सर, भाड़े नहीं भर सकते मैडम, वही है ना, इसीलिए अपने अब्बा के घर का ना होता है, जब तक अब्बा का घर है तो कोई जरूरत नहीं, आप जाके खड़ा रहो उधर, आप जाके खड़ा रहो उधर, इनको ये भी करने को इनको जरूरत नहीं है, ये जाके खड़ा रहो, किसके वाइफ है मेरी वाइफ, तुम उनको बोलो उनको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं उधर बोलो जरूरत, ठीक है तुम उधर खड़ा अलॉटमेंट किसके नाम से हुआ है, डॉक्यूमेंट किसके किसके नाम से सर, ये नकली पेपर है, नकली पेपर, मैं तुमको बताता हूं, तो इसको चैलेंज करो ना तुम, हां तो इसको चैलेंज ही कर रहे हैं ना हम लोग, कोर्ट में चैलेंज करो हम लोग, हां तो जब भी हम लोग रह रहे ना सर, तो हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे ना, ये मुझे ऐसा मार कैसे सकते हैं, लेकिन उनका भी ये कहना है कि हम सही रहते थे, हम लोग रह रहे ना सर, हम लोग ने चौकी में पहला सबमिट करे, सबमिट करो, लेकिन कॉर्पोरेशन ने किसको अलाउ किया, वही बोल रहा हूं ना मैं, कॉर्पोरेशन ने हमारे बाप को अलाउ किया, इनको नहीं, दोनों को अलाउ नहीं, अरे दोनों का फोटो है, इन्होंने चीटिंग से वो नाम डलवाए हैं सर, तो नाम डलवाए तो उसके लिए तुम वही बोल रहे हो ना, तो हम लोग घर में जब रह रहे हैं हम लोग सब कोर्ट में साबित करेंगे सर, लेकिन जो हम लोग उन लोगों का एम यही है कि हम लोग को घर से निकल जाए, हम लोग पहले रहते थे हम लोग पहले रहते थे 1.5 करोड़ का घर है उनका, उनके उनको घर रहने को नहीं, वो हिस्सेदारी तुम मांगो ना उसमें, अरे उसके लिए हिस्सेदारी मांगना पड़ता है, लेकिन आप भी तो सर बताओ ना, आप हम लोग क्या, हमारे पास तो भाड़ा भरने को पैसा नहीं है सर, हम लोग क्या करेंगे, वो बोलते हैं ये लोग बेच के, तुम्हारे पास तो है ना दो सर, अगर अगर घर निकल गया, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर घर निकल गया ना, कपड़े नगर का बेच दिया तो हम आपके सामने, आप मेरे को 2 लाफा मारना, मैं पूरा साइन करके दे दूंगा, अगर हम लोग के नाम पे 1 चारणी की भी प्रॉपर्टी है, वो बोलते बेच दिया कौन, पिताजी ने सबके नाम पे बना दिया, कुछ नहीं बनाया सर, ये देखो पिताजी की बहन है, ओ फूफू इधर आओ, ये पिताजी की बहन है छोटी, ये झूठ बोलेगी क्या, ये झूठ बोलेगी, उन लोगों के साथ क्यों नहीं खड़ी है आज, हमारे साथ क्यों खड़ी है सर, इधर आओ,
तो पुलिस का जितना अधिकार है, पुलिस का जितना होता है उतना ही करेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, रहने का हमने ये नहीं करेंगे, कॉर्पोरेशन वाले आके ये करेंगे, किसको अलाउड किया है सर उनको ये करेंगे। तो हम कैसे ये करें, हमारा हमारा जबरदस्ती वही है कि बाबा हमारा ये मैं रहती थी मैं ये सब ठीक है, लेकिन कानून में हमको जितना अधिकार है उतना ही हम। अरे उनका भी ये है कि इन्होंने हमारे मैं रहती थी उनके पास घर है, उनके पास घर है, वो तो आप आपस में ये करो, नहीं तो उसके लिए कोर्ट में हिस्सेदारी का है, कोर्ट में हिस्सेदारी के लिए ये करो कर Thank you.